हम आपको भरोसा देना चाहते हैं कि दो वर्ष बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इस दिशा में भारत सरकार काम कर रही है। हम आपको भरोसा देना चाहते हैं कि दो वर्ष बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इस दिशा में भारत सरकार काम कर रही है। हम आपको भरोसा देना चाहते हैं कि दो वर्ष बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इस दिशा में भारत सरकार काम कर रही है। हम आपको भरोसा देना चाहते हैं कि दो वर्ष बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इस दिशा में भारत सरकार काम कर रही है। नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब स्थितियां काफी बदल गई हैं। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब स्थितियां काफी बदल गई हैं। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम आपको भरोसा देना चाहते हैं कि दो वर्ष बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इस दिशा में भारत सरकार काम कर रही है। कानून व्यवस्था को लेकर के एक निश्चित रूप से कई लोगों को चिंता रहती है। उन्होंने बताया कि नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब स्थितियां काफी बदल गई हैं। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम आपको भरोसा देना चाहते हैं कि दो वर्ष बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इस दिशा में भारत सरकार काम कर रही है। जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल को सुन रहे थे, हालांकि उनके बयानों को आपने सुना। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि आने वाले 2 साल के भीतर जम्मू कश्मीर से आतंक को मुक्त किया जाएगा। हालांकि जिस तरह से जम्मू कश्मीर की परिस्थितियां बनती हुई नजर आती हैं और आतंकवाद जिस तरह से बढ़ता हुआ नजर आता है, उन्होंने ये कहा है कि आने वाले 2 सालों के भीतर आतंक मुक्त जम्मू कश्मीर बनाया जाएगा और आतंक का जो है खात्मा किया जाएगा। हालांकि ये सवाल है कि किस तरह से इस आतंक को मुक्त किया जाएगा जम्मू कश्मीर से, और कहीं ना कहीं क्या रणनीतियां बनाई जाएंगी, क्या परिस्थितियां बनाई जाएंगी, और किस तरह से आप देख रहे हैं कि चाहे वो कश्मीर का इलाका हो, चाहे वो जम्मू का इलाका हो, कि कहीं ना कहीं ऐसी गतिविधियां जो है वो देखने को मिलती हैं, और कई उनके ओजी वर्कर्स को भी गिरफ्तार किया जाता है, आतंकियों को मौत के घाट भी उतारा जाता है, और लगातार ऑपरेशन ऑल आउट के तहत आपने देखा होगा कि कई सारे आतंकियों को मौत के घाट हमारे सुरक्षाकर्मियों ने उतारा है। और हालांकि आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल का जो बयान था उसको आप किस तरह से देखते हैं और किस नज़रिए से देखते हैं। हालांकि कई ऐसी टिप्पणियां आपने सुनी होंगी कि किस तरह से इस आतंक को मुक्त किया जाएगा, किस तरह से आतंक को ख़त्म किया जाएगा, क्या नीतियां अपनाई जाएंगी, ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण सवाल है। हालांकि जो आम जनता के देखने को मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं जो ऑपोजिशन है उनके भी कई सारे ऐसे सवाल हैं जो वो कर रहे हैं। हालांकि अब ये देखना होगा कि किस तरह की कोई नीति बनाई जाएगी जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल द्वारा। अब ये कहीं ना कहीं अब काम डाउन शुरू होगा कि जिस तरह से समय कम होता जाएगा और कहीं ना कहीं अब जो ऑपोजिशन है वो गिनती करना शुरू कर देंगे। हालांकि 2 साल का समय दिया गया है, 2 साल के समय के दौरान जम्मू कश्मीर से आतंक को मुक्त किया जाएगा। अब ये महत्वपूर्ण है क्योंकि जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल का यह बयान कहना, इस तरह का कहना कहीं ना कहीं मायने रखता है और महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब इतने बड़े ओहदे पर बैठे इतने बड़े एक जो माननीय उपराज्यपाल हैं उनका इस तरह का बयान देना, क्या आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर से आतंक मुक्त होगा या नहीं हो पाएगा? हालांकि अब यह आश्वासन जरूर दिया गया है, उन्होंने ज़रूर कहा है कि इन सबको कहीं ना कहीं आने वाले समय में 2 साल के भीतर आपको जम्मू कश्मीर से आतंक मुक्त ज़रूर बनता हुआ नज़र आएगा। हालांकि ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो थी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। तब तक के लिए आप बने रहें JK247 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ धन्यवाद।